नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार ने जो 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है उसमें कैम स्कैनर भी शामिल है। इसका यूज भारत में बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि बहुत से मतलब अधिकतर लोग इसका यूज करते थे, कैम स्कैनर था स्कैनर का, ठीक है। तो ये तो हो चुका है अब बंद। तो मैं इसके विकल्प के बारे में बताऊँगा कि आप इसके अलावा कौन कौन से स्कैनर को यूज कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यानी कि कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में हम कौन कौन से ऐप्स को यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एडोब स्कैनर, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्कैनर है, एडोब स्कैनर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग करता है, ठीक है। यह आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अलग से भी, ठीक है। आप अपने आराम से ज़रूरी दस्तावेज को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आपको अकाउंट भी बनाना पड़ता है। दूसरा जो स्कैनर है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, ये भी बहुत अच्छा ऐप है, ठीक है। इस पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, उसे PDF में बदल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ इसमें सुविधाएँ, फाइल बनाने की भी इसमें सुविधा मिलती है, ठीक है। अलग अलग ऐप का साइज है वो अलग अलग डिवाइस पर निर्भर इसका करता है, ठीक है। आप जिस भी डिवाइस में डाउनलोड करेंगे तो उसके हिसाब से इसका साइज भी चेंज होता है, ठीक है। गूगल ड्राइव बहुत ही अच्छा ऐप है, इस पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग करके उसे आसानी से सेव करके भी रख सकते हैं। ये भी गूगल का एक बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। अगला है क्लियर स्कैन, इसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, PDF फॉर्मेटिंग में भी इसको बदल सकते हैं, ठीक है। ओनली 17 MB का ऐप है और ये प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। अगले ऐप की हम बात करें तो ये इसका नाम है स्कैनर ऐप भी अच्छा डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग ऐप है, आप आसानी से इससे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते हैं। ये अमेरिकन ऐप है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हैं, पिन प्रोटेक्शन भी है इसमें, बेसिक डॉक्यूमेंट्स एडिटिंग फीचर्स भी है इसमें। और ऐप का साइज ओनली 140 MB है, यानी कि 140 MB का ये ऐप है। तो इस तरीके से आप कैम स्कैनर की जगह पर इन ऐप्स को यूज करके, इन स्कैनर्स को यूज करके आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। आपको कैम स्कैनर की कमी बिल्कुल भी नहीं खलेगी, ठीक है। यानी कि आपको उसकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो